डेढ़ लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट, 100 प्लस सिटीज और 25,000 पल्सर मेनियास का पार्टिसिपेशन रहा है इस इवेंट पे। मैं बात कर रहा हूँ बजाज पल्सर मेनिया की। जी दोस्तों, आज है बजाज पल्सर मेनिया का मास्टर एडिशन और आज मैं हूँ मुंबई में। तो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ स्पोर्ट, एडवेंचर, थ्रिल और भी काफी सारी चीजें दिखाने वाला हूँ और आपको ले चलने वाला हूँ बजाज पल्सर की एक अलग दुनिया में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, तो देर किस बात की दोस्तों, आइए ये वीडियो देखते हैं और काफी कुछ देखने को और जानने को मिलेगा इस वीडियो में, तो बने रहिए आप हमारे साथ। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो बजाज के पास में पल्सर लाइनअप में लगभग अलग अलग वेरिएंट 10 से 12 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। यानी आपको अगर 125 सीसी चाहिए तो आप 125 सीसी परचेस कर सकते हो, आपको 150 चाहिए 150 परचेस कर सकते हो, आपको 200 सीसी चाहिए तो 200 सीसी परचेस कर सकते हो और अगर आपको 250 सीसी चाहिए तो 250 सीसी परचेस कर सकते हो। मेरे पीछे आप ये जो मॉडल देख रहे हो ना, ये तो अभी प्रेजेंट टाइम पे आते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई थी चलिए आपको दिखाता हूं। तो जो शुरुआत हुई थी ना, वो हुई थी यहाँ से। ये जो आप देख रहे हैं, ये है बजाज की पल्सर, आइकॉनिक पल्सर यहाँ पर खड़ी हुई है। जिन्होंने शुरुआत देखी होगी बजाज की, राउंड शेप में यहाँ पर हेडलैम्प देखने को मिल जाता था, स्पोक व्हील, दमदार 180 सीसी का इंजन। मतलब ये जो बाइक है ना, ये उस समय जब लॉन्च हुई थी ना, तो लोगों के दिलों पे एकदम राज करने लगी थी और यही वो वक्त था जिसने इंडियन मार्केट को बदला, स्पोर्ट कम्युनिटी को बदला और यूथ को बजाज की पल्सर की दीवानगी सिर चढ़कर बोलने लगी। तो मतलब जिसका बर्थ हुआ था 2001 में, आज 2023 खत्म होने वाला है और आज कहीं भी क्रेज इसका कम नहीं हुआ है। तो अभी क्या है ना, हम हैं बजाज पल्सर वर्ल्ड में, आगे हम ले चलते हैं आप लोगों को और भी चीजें दिखाने वाले हैं। समय बदला और लोगों की डिमांड बदली और लोगों की नीड हुई कि कुछ और चीजें बेहतर की जाए। तो यहाँ पर क्या है ना, फिर देखिए बजाज ने खुद को बदलते हुए क्या लॉन्च किया, 2004 में ये वाली पल्सर, यानी पल्सर 180। मतलब बदलते दौर के साथ में कंपनी ने सोचा कि कुछ और बेहतर किया जाए। तो यहाँ पर देखेंगे ना, एजेस देखने को मिल जाते हैं और मस्कुलर लुक हो जाता है और स्पोर्टी नजर आती है। तो कंपनी ने काफी सारी चीजें बदली। फिर ये था कि थोड़ा सा पावर और मिले, थोड़ी सी और बेहतर बाइक नजर आए। तो यहाँ पर क्या है, कंपनी ने लॉन्च किया बजाज की पल्सर 220F। हालांकि उसके बीच में भी कंपनी ने काफी सारे अपडेट्स भी दिए, लेकिन इसने तो आज भी मार्केट में तहलका मचाया हुआ है। हालांकि कंपनी ने यह सोचा था कि जो 250 है लॉन्च करेंगे और इसको हम ड्रॉप करेंगे 220 को, लेकिन लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद आया। लोग 250 भी परचेस कर रहे थे लेकिन 220 की लगातार डिमांड कर रहे थे। चले आगे और चलते हैं और भी चीजें आपको दिखाते हैं। समय बीत चुका था, अब लोगों को और कुछ नई डिजाइन चाहिए थी। लगभग 10 साल हो चुके थे बजाज के पल्सर को इंडियन मार्केट में आए हुए। फिर क्या था, 2012 का वक्त था और बजाज ने लॉन्च किया गेम चेंजर बाइक, ये है बजाज की पल्सर NS200, जिसने क्या है कि स्पोर्ट और बाइकिंग की दीवानगी में और ज्यादा रुचि बढ़ा दी और ये बाइक आई। इस बाइक को कंपनी नाम दिया NS और यहाँ पर क्या है ना, ये स्ट्रीट फाइटर स्पोर्ट नेकेड बाइक आ जाती है जो कि यूथ को काफी ज्यादा पसंद आई। तो ये डिजाइन इतना लोगों को पसंद आया ना कि आज के टाइम पे 2023 में भी ये 125cc, 160 और 200 में मार्केट में अवेलेबल है और इसके टक्कर की बाइक मैं अगर कहूंगा ना तो 200cc में मिलती ही नहीं है। मतलब जो रॉ पावर इसमें मिलती है जबरदस्त है। तो इसका डिजाइन नेकेड स्ट्रीट फाइटर ये बाइक हो जाती है। आगे और चलते हैं और थोड़ा सा क्या बदलाव आया है उसके बारे में बताता हूं आपको। 2012 के बाद वक्त था 2015 का, जब बजाज ने ये सोचा नेकेड तो बना ली है, अब बात करेंगे हम फेयरिंग की। तो बजाज ने लॉन्च किया RS200। मतलब आप बाइक को देखोगे ना, ये तो हालांकि अभी का मॉडल है, कंपनी उसी डिजाइन को कंटिन्यू करती है और इसमें कुछ खास अपडेट भी देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन क्या है ना, लोगों के दिलों पे राज कर रही है और खूब पसंद आती है ये बाइक। तो ये है बजाज की पल्सर RS200। मतलब इसकी ये हेडलैम्प आप देखोगे ना, जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पर, जो इसकी बड़ी सी हेड यहाँ पर, बड़ी सी फेयरिंग, वो लोगों को खूब पसंद आती। अब मैं आपको जिस दुनिया के बारे में बता रहा था ना, कि मैं आपको ऐसी दुनिया में ले चलूंगा जहां पर क्या है, स्पोर्ट है, थ्रिल है, एडवेंचर है, और उस दुनिया में मैं ले चलने वाला हूं और आपको कुछ अलग चीजें दिखाने वाला हूं और आपका एक्साइटमेंट यहां बढ़ने वाला है, क्योंकि यहां जो कंटेंट मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ और चलते हैं अंदर और दिखाते हैं क्या क्या चीजें अंदर होने वाली है। ये सारी बाइक से होता है स्टंट, जी हाँ, मतलब लीगल स्टंट होता है, कहीं इधर उधर रोड हाईवे पे नहीं होता है, बिल्कुल सेफ्टी के साथ में होता। तो वही मैं आगे मैं दिखाने वाला हूँ।
तो ये कुछ बाइक होती है जिसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद क्या है, जो प्रोफेशनल स्टंट करने वाले लोग हैं वो स्टंट करते हैं। तो ये कुछ बाइक्स हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ डिफरेंट ट्रैक्स बनाए गए हैं, जैसे ये आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पर क्या है, डिफरेंट एक्टिविटीज होने वाली है। इधर यहाँ पर देख रहे हैं आप, कुछ एक्टिविटीज चल रही है। तो अंदर आप देखेंगे ना, ये जो सेट है ना, एक तो मेरे दिल को एकदम छू सा गया है पूरा सेटअप, मतलब एक अलग टाइप का यहाँ पर सेटअप किया गया है। तो अंदर मैं आपको ले चलूंगा और क्या क्या चीजें हो रही है, कैसे स्टंट हो रहा है, कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सारी चीजों के बारे में दिखाने वाला हूँ। देखिए, पल्सर मेनिया का सिर्फ रीजन ये नहीं है कि कंपनी अपना प्रमोशन करना चाहती, बल्कि ये है बाइकिंग कल्चर को कैसे बढ़ाया जाए, स्पोर्ट एक्टिविटी को कैसे बढ़ाया जाए, बाइक्स की नॉलेज कैसे दी जाए, सारी चीजों के बारे में पल्सर मेनिया ये सारी चीजें करता है, जहां पर डिफरेंट चीजें सिखाई जाती है, बताई जाती है। तो चलिए अंदर ले चलता हूं और दिखाता हूं आपको कि और कौन कौन सी चीजें हो रही हैं।